हेलो एवरीवन, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बाहर बहुत आंधी चल रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े जो है उतार लिए और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उन्हें फोल्ड कर दूँ। तो तय करते करते मुझे बचपन की कुछ यादें याद आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो पता नहीं सब लोगों के साथ ऐसा होता था कि नहीं, पर हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जो है हमेशा गाँव जाते थे, कभी नानी के यहाँ, कभी दादी के यहाँ, कभी कभी मौसी के यहाँ भी। और जब भी हवा चलती थी ना, बहुत तेज हवा चलती थी, तो हम लोग दौड़ के भाग के जाते थे बगीचे में, क्योंकि गांव में तो खूब सारे बगीचे होते थे और आम होते थे ना बगीचों में। तो फिर हम लोग क्या करते थे कि जो बगीचे में टिकोरा गिरते थे ना, छोटे छोटे आम को हम लोग टिकोरा कहते थे, तो टिकोरा गिरते थे और हम लोग जाके टिकोरे को जो है उठा लेते थे, बीनते थे और घर आते थे, नानी को, दादी को, मौसी को, जहाँ भी होते थे उनको देते थे। और फिर क्या करती थी नानी, मौसी हमारी या मम्मी, उसका गुड़ वाला गुरचरा बनाती थी जो खाने में हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, कई दिन तक हम लोग खाया करते थे। अगर सब भाई बहन मिलके ज़्यादा आम ले आते थे तो अचार भी पड़ जाता था, खटाई भी पड़ जाती थी। क्या दिन थे ना, वो वापस नहीं आते अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दिन। अब तो बस जिंदगी में जिम्मेदारियां हैं, वैसे दिन जीने को नहीं मिलते, या शायद हम जीना ही नहीं चाहते अपनी जिम्मेदारियों के आगे। इसलिए अपने अंदर थोड़ा सा अपने अंदर के बचपन को जिंदा रखना चाहिए ना, कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते रहना चाहिए कि लगे कि हम भी जिंदा हैं, हमारे लिए भी जीवन में कुछ है, सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबते नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं होंगी, मरते दम तक हमें जो काम करना है वो करते ही रहेंगे। तो थोड़ा सा बीच बीच में एंजॉय करना, थोड़ा सा बचपना वाला काम करना तो चलता है ना यार।